अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 113। और आज के इस लेसन में हम मैकेनिकल एक प्रैक्टिकल नंबर 12 करेंगे और इस लेसन में हम एक कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग्स बनाएंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने तकरीबन नॉर्मल ड्राइंग बनाई थी, इतनी हमने डिफ़िकल्ट कोई ड्राइंग नहीं बनाई थी, जबकि आज के लेसन में हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ड्राइंग भी बताता चलूँ कि कौन सी ड्राइंग पे हमने काम करना है। तो ये ड्राइंग है, आपको नज़र आ रही होगी। आज हम ये मैकेनिकल एक ड्राइंग है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। ऑटोकैड का थोड़ा सा मैं यहाँ से साथ साथ इस ड्राइंग को फॉलो करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो हाइट और विड्थ जो है वो कितनी है, 96 और 64 है। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल लें या फिर यहाँ से डायरेक्ट रेक्टेंगल ना लें, लेकिन डायरेक्ट आप सबसे पहले यहाँ से जो इसका व्यू लेंगे, व्यू आपने जो चेंज करना है वो आप करें साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ मैं। यूसीएस आइकन को यू सेंटर करके से ओरिजिन पॉइंट पे डिस्प्ले करता हूँ। ओके ओके, तो आज के इस लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास 96 एल इंटर F8 प्रेस करता हूँ, 96 है यहाँ तक, और इससे आगे जो है वो कितने है? 64 एंटर। ओ एंटर 64 एंटर एंड ओ एंटर 96 एंटर। ओके, बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर करता हूँ, पिक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मूव करके एम एंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, मूव करके इसको इस कॉर्नर में ले जाता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो है जो आपके पास यहाँ पे इसको 16 पे हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड के लिए मैं यहाँ से प्रेस पुल या एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ और इसको एक्सट्रूड करता हूँ 16। ओके, उसके बाद यहाँ से जो इसका 16 यहाँ से इसका ऑफसेट लेता हूँ, फिर आगे यहाँ से फिर 16 ऑफसेट लूँगा 16, और फिर रेडियस इसका 16 है एंड यहाँ से यहाँ तक 20। सिक्सटीन सिक्सटीन मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से। ऑफसेट लेने के लिए आप यहाँ से इसके एड को कॉपी करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ से कॉपी इसको मैं करूँगा, एड्स कॉपी करता हूँ। तो इसके लिए इस पे क्लिक करता हूँ और कॉपी एड्स पे क्लिक करता हूँ, इस एड्स को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो कितना देना है जी, 16 इस साइड पे हमने देना है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो अभी इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट ऑफसेट भी ले सकते हैं। वो एंटर 16 एंटर करता हूँ। ओके, और यहाँ से ऊपर जो है कितना है जी, वो भी यहाँ से ऊपर जो है तो बस 20 का फासला है, तो आप 20 के लिए आप यहाँ से करें। ओ एंटर 12, यहां से कॉपी करें इसको, इस पॉइंट पे सॉरी कॉपी करता हूं इसको, और स्पेसिफाई बेस पॉइंट
गलत कर रहा हूँ यहाँ से, ट्वेंटी फिर गलत हो जाता है, 20 है। ट्वेंटी इसके ऊपर यहां से करूंगा, ओके यहाँ तक ही काम हो गया जी। अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से चीज़ देखता हूँ, यहाँ से इसका जो रेडियस है वो 16 है, तो ये किस तरह आएगा जी, इस पॉइंट से मैं देखता हूँ, इस पॉइंट से सी एंटर करता हूँ, सेंटर से इनको जो फालतू एरिया इनको मैं डिलीट करता हूँ, ट्रिम करता हूँ, तो टी आर एंटर जो अरेज करनी है उनको अरेज करता हूँ, कंट्रोल जेड, सेंटर से सी एंटर करता हूँ, सर्कल कितने जी, 18 आई थिंक, सिक्सटीन है, सी एंटर देखता हूँ, सर्कल यहाँ से 16 आएगा, डायमीटर के लिए डी एंटर, 16 करता हूँ, ओके हाँ यहाँ तो यहाँ पे डायमीटर है इसका, यहाँ पे देखें इसीलिए हमारे पास सही एक्यूरेट लिखा हुआ नहीं होता तो समझ नहीं आती, तो डायमीटर है 16 जो कि बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे इसके ऊपर आ गए, और इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ट्रिम करें इसको, टी आर डबल इंटर, ओके आ गया। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ मैं, इस कॉर्नर खींच के नीचे ले आता हूँ, ओके ये हमारे पास कमांड अप्लाई हो गई, और मैं आपको इसको कंसेप्चुअल व्यू में ला के बताता हूँ, बल्कि मैं आपको इस ये वाला रियलास्टिक में ला के बताता हूँ, ओके आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो काम करना है वो क्या है कि अब यहाँ से ये चीज़ बनानी है, तो ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक 64 और 16 मैं देखता हूँ एक बार, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ से 64 है और 16 है तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ही करता हूँ बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, सिक्सटी फोर हाइट है, सिक्सटीन ओके मैं यहाँ से इसको ऑफसेट लेता हूँ, वो एंटर करता हूँ या कॉपी करता हूँ यहाँ से इसके एज को, कितने है? 16 है तो 16 आप कॉपी करें स्केच को, ओके यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, आर ई सी रेक्टेंगल लेता हूँ,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं थोड़ी वायर फ्रेम में लेके आता हूँ। ओके, और अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड कितना करना है? एक्सट्रूड करना है जी 64। 64 एक्सट्रूड करना है। प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ। 64 इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। रेडियस लेना है 48। तो 48 रेडियस के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे कि इसके ये एज को यहाँ से रेडियस लेना है, तो उसके लिए आप फिलेट कमांड यूज़ करें, एफ एंटर करें, इसका ये एरिया से सेलेक्ट करें, इसको रिमूव करना है। और कितना जी रेडियस है? 48 है, तो आप यहाँ पे 48 लिख के एंटर करें और कुछ भी नहीं चाहिए तो दोबारा एंटर कर लें। अब देखते हैं कि हमारे पास रेडियस है इसका 40। ओके जी, हमारे पास रेडियस भी आ गया इसका, सही है। अब यहाँ से इसको मैं जाके रियलास्टिक में जाके देखता हूँ। डी आई एंटर करके मैं देखता हूँ ज़रा डिस्टेंस, क्योंकि कुछ शक हो रहे हैं डिस्टेंस का सही नहीं है। मीन हमने जो मैंने डिस्टेंस दिया था वो सही नहीं है, तो मैं इसको डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। कितने यहाँ पे? ओके, दोबारा बना लेता हूँ इसको। यहाँ से मैं आता हूँ और सिक्सटीन है ऑफसेट, कॉपी एच 16। यहाँ से एक और काम करें, अगर यहाँ से ये काम नहीं कर तो यहाँ से आप इसे इसके जो व्यू है इसको आप राइट पे क्लिक करें, राइट पे ले आए, एल एंटर करता हूँ यहाँ से मैं। ऐसे आइसोमेट्रिक में आके करता हूँ मैं, यहाँ से दोबारा इसे कॉपी करता हूँ इसको। सिक्सटीन है, अब सही आया, सही है। अब इसको हम एक और कमांड यूज़ करते हैं, एम्प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं इसके लिए। एम्प्रिंट कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ और इस एरिया को भी सिलेक्ट करता हूँ। कह रहा है कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं सोर्स ऑब्जेक्ट को, तो मैं नहीं करना चाहिए, यस डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यस करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया और इसको मैं इसको प्रेस पुल करता हूँ, कितना 64, सही है। आपको एक और टेक्निक आ गई इन गलतियों की वजह से। और अब मैं इसको रेडियो फिलेट करता हूँ यहाँ से, तो एफ एंटर करूँगा, इसका ये कॉर्नर एड सेलेक्ट करता हूँ। और कितना फिलेट करना है जी मैंने? 48, तो 48 दिया हुआ है पहले से, तो 48 के लिए एंटर, फिर से एंटर करें तो ये 48 फिलेट भी हो गया जी। ओके, अब नेक्स्ट जो मैंने काम करना है वो नेक्स्ट क्या काम करना है कि मैंने यहाँ पे ऑफसेट लेना है 22 का, इस एड्स को ऑफसेट लेना है 22 का, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। ट्वेंटी टू,
और कितना ऑफसेट है जी? 22 का यहाँ से, और 24 और 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, ओके okay. यहाँ से इसका 40 ऑफसेट लेके देखता हूँ, यही कमांड लेता हूँ जी, कॉपी एच, और इसको 40 ओके, और अब यहाँ से इसको इसको जो है तो मैं एम्प्रिंट करता हूँ इसके ऊपर, और बाकी जो फालतू है उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। टी आर एंटर, प्रेस पुल कमांड देखता हूँ काम करेगी यहाँ पे, ओके करिए। चले मैं यहाँ से इस पर काम करता हूँ जी, कितना इसको रिस्टोर करना है जी, वो मैंने 28 करना है, 28 एंटर करता हूँ ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्यों डिलीट करता हूँ। अच्छा 28 मैंने किया, और यहाँ से मैं अब यहाँ से काम करता हूँ कि सी एंटर करता हूँ, देखता हूँ इसके लिए मैं जो है तो यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ इसके, तो यहाँ से अपने फ्रंट व्यू में आना है, सी एंटर करता हूँ, कितना सर्कल है 24 का रेडियस देता हूँ इसको मैं, 24 देता हूँ, डायमीटर आएगा ये, रेडियस ये नहीं आ रहा, रेडियस नहीं आ रहा, डायमीटर आएगा, सी एंटर, डायमीटर लिए डी एंटर, कितना जी 24 ओके, 24 का डायमीटर, और अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा अपने उसी व्यू में लेके आता हूँ ओके। ओके प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एस यू एंटर ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखता हूँ ज़रा इसके व्यू में जाके, ओके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे काम करना है वो क्या करना है जी, मैं यहाँ से व्यू में आता हूँ जी, अपने एस ई या एन डब्ल्यू या एस डब्ल्यू जिस व्यू में भी आप आना चाहें, और यहाँ से इस पे इसको वर्ड पे क्लिक करता हूँ ओके। अब मैंने यहाँ पे काम करना है, जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि अब मेरे पास नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं, तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे 12 है, तो 12 में ले आऊँगा, लेकिन मैं पहले मैंने इस तरह करना है कि मैं यहाँ से ऊपर इसको लेके जाता हूँ, तो उसके लिए मैंने काम करना है कि मैं इस कॉर्नर से मैं एक पॉली लाइन लेता हूँ, 3D पॉली लाइन लेता हूँ या PL नॉर्मल पॉली लाइन लेता हूँ मैं, और यहाँ से इस कॉर्नर में और यहाँ से इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ,
और यहाँ से डायरेक्ट इस कॉर्नर पे इसको छोड़ देता हूँ, प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ या फिर एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ। कितना है जी? 12 है, तो इसको मैं देता हूँ 12, एंटर। ट्वेल्व एंटर करता हूँ, ओके आ गया। और देखता हूँ अब क्या चीज़ रहती है। तो ओके जी, हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, और टाइम थोड़ा सा लगा है लेकिन कंप्लीट हो गया। और मैं इसको यहाँ से जो इसके फालतू एड्स वगैरह हैं उसको मैं ख़त्म करता हूँ, और इसको आप ये अलग लगे सारे तो इनको एक करने के लिए मैं यहाँ से यूनियन सॉलिड यूनियन कमांड लूँगा और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, तो ये अब सारा का सारा एक यूनियन में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। तो ये जी आज का काम था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।